करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात नरसिंहपुर की, जहां पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे की मौत हो चुकी है। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन, इसकी जानकारी सामने आ रही है। मोनू पटेल का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल। हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं कि क्या परेशानी रही। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे का निधन हो चुका है। मोनू पटेल के निधन के बारे में जानकारी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे भी थे मोनू पटेल। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे जिनका निधन हुआ है, जानकारी साझा की गई है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है किस वजह से उनका निधन हुआ है। ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक की आशंका, दुखद खबर नरसिंहपुर से सामने आई है। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल, जिनके निधन के बारे में जानकारी साझा की गई है। नरसिंहपुर से यह बड़ी जानकारी, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज की आशंका फिलहाल जाहिर की गई है। अभी तक इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है कि किस वजह से उनका निधन हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी पहले रही, इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मोनू पटेल जिनके निधन की यह जानकारी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू ठाकुर, जिनके निधन को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। मोनू पटेल के निधन को लेकर यह जानकारी, हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ या ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हुआ है, अभी तक इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। आशंका फिलहाल ये व्यक्त की जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से, संशय इस पर अभी भी बरकरार। जानकारी भी जल्द ही साझा की जा सकती है। पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे के निधन के बारे में ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अब इस खबर से रिलेटेड किया गया। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे हैं मोनू पटेल। जानकारी अभी तक ये नहीं है कि किस वजह से ऐसा हुआ, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज, इसकी आशंका फिलहाल व्यक्त की गई है। कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं। ये बात कुछ देर बाद जरूर सामने आ सकती है किस वजह से ऐसा हुआ। विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है, फिलहाल यही जानकारी साझा की गई है। नरसिंहपुर से बड़ी जानकारी, मोनू पटेल का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे थे मोनू पटेल। विधायक जालम सिंह के बेटे के निधन के बारे में जानकारी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से निधन हुआ। सही कि आशीष दादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? जी, अभी तक ये डॉक्टर से जब बात हुई है तो इस मामले में उन्होंने बताया है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं प्रबल हैं। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि घर पे अचेत अवस्था में मिले हैं, नाक से ब्लीडिंग की बात भी आ रही है सामने, तो ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब मेडिकल एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ये सामने आ पाएगी वजह प्रॉपरली की क्या आखिर वजह, मुख्य वजह क्या रही है इस मौत की। लेकिन जिस तरह से ये आघात हुआ है, युवाओं के बड़े नेता थे अभी उभर के आए थे, तो पूरे गोटे गांव में सदमा है, मातम का माहौल है। और कुछ देर में इनके जो ताऊ जी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वो भी गोटे गांव पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कुछ देर बाद ये जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आशीष की, क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पहले रही हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि पहले कोई इलाज के लिए या कोई आयु, क्योंकि उससे पहले ही अभी पिछले तीन दिन पहले जब केरपानी में एक बड़ा आयोजन हुआ था, टी राजा जो तेलंगाना के विधायक थे वो आए थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल,
जालम सिंह पटेल सारे लोग शामिल हुए थे उसमें। मोनू पटेल हंसते हुए नजर आ रहे थे, लग रहा है कहीं से ये प्रतीत नहीं हो रहा था कहीं से वे बीमार हैं या अस्वस्थ चल रहे हैं। तो साफ ये समझा सकता है कि अचानक से कोई ऐसी घटना हुई है, अचानक से कोई ऐसा दिक्कत आई है बॉडी में जिसके चलते उन्हें आगे का इलाज भी नहीं मिल सका है और गोटेगांव में शासकीय अस्पताल पहुंचते ही उनका निधन हो गया है। चलिए, बहुत दुखद खबर, शुक्रिया आपका आशीष फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई क्या समस्या रही जिस वजह से उनका निधन हुआ, ये पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा और उस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके भतीजे थे मोनू पटेल। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां श्रम दिवस पर आज श्रमवीरों का सम्मान किया जाना है। साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल राशि ट्रांसफर करेंगे, कई योजनाओं से जुड़े श्रमिकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी और श्रमिकों के बैंक खातों में 47,12,00,000 रूपये की राशि आज मुख्यमंत्री ट्रांसफर करने वाले। आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ होगा, श्रमिक सहायता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और श्रमिकों के सम्मान में सामूहिक भोज का आयोजन भी आज। सम्मान में सामूहिक भोज जिसमें बोरेबासी भोजन के तौर पर सभी लोग ग्रहण करेंगे।